गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में क्या पढ़ा रहे थे, तो साउंड वेव्स के बारे में बात करते हैं। साउंड के बारे में बात करना स्टार्ट किया था मैंने, आपको बता दिया था कि साउंड वेव में किस तरह से कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनते हैं। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब है नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता था नॉर्मल प्रेशर से कंप्रेशन। अब जो भी चेंज ऑफ प्रेशर होता था, जो भी चेंज ऑफ प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू होता था उसको हम बोलते थे एम्पलीट्यूड। अच्छा, फिर एक सेकेंड में कितनी बार प्रेशर का चेंज आता था, मतलब कितने बार क्रेस्ट बनता है, कितनी बार ट्रफ बनता है। अब ये जो वेव होता है उसको बनाने का तरीका होता था इस तरह से, ऐसे एक साइन वेव के जैसा हम वेव को बनाते हैं। अब एक सेकेंड में कितनी बार कंप्लीट ऑसिलेशन होता था, या कितनी बार मैक्सिमम मिनिमा इस तरह से बनता जाएगा, उसको हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है साउंड का पिच। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है उतना ज्यादा पिच उसका वॉइस होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये पिच क्या होता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, फिर और क्या बताया था इसमें, पिच के बाद एक और वर्ड था लाउडनेस या इंटेंसिटी। लाउडनेस या इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है साउंड के एम्पलीट्यूड पर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड का साउंड होता है उतना ज्यादा उसका इंटेंसिटी होता है, उतना ज्यादा लाउडनेस होता है। अब एम्पलीट्यूड जो है ना, जैसे देखो कोई भी साउंड का सोर्स, कोई भी साउंड जो है वो वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा साउंड का क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। जैसे अगर आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लोगे, ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप बहुत जोर से वॉल पर या एक रिजिड सर्फेस पे हिट करोगे तो जो साउंड क्रिएट होके आएगा वो बहुत हाई मैग्निट्यूड का होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड का क्रिएशन। बात समझ में आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड था। तीसरा वर्ड मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में बताया था, टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड। अब दो अलग अलग लोग जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनका पिच सेम है, उसमें वॉइस की डिफरेंस। अब जैसे फीमेल्स अगर आप बोलोगे तो सारे फीमेल्स का जो वॉइस है वो हाई पिच वॉइस है, लेकिन दो फीमेल्स के आप वॉइस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। किसी का जो वॉइस होगा जनरली, जो तुम्हारे बेटर हाफ हो गया, जो तुम्हारे खास होगी, उसका वॉइस तुमको लगेगा कि बहुत अच्छा है, कितना प्लीजेंट है। ऐसा ऐसा होता है ना, शादी से पहले तक जिसका वॉइस अच्छा लग रहा होता है, शादी के बाद उसी का वॉइस खराब हो जाता है, ऐसा लगता है इन जनरल। मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने सुना है लोगों से, शायद तुम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अपने पापा मम्मी से पूछ सकते हो, आसपास के लोगों को देख कर तुम समझ जाओगे। तो साउंड में ऐसा बोलते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ साउंड है उसमें ऐसा है कि जितना ज्यादा क्या बोलते हैं क्वालिटी, किसी किसी का साउंड सुनने में बहुत प्लीजेंट होगा, किसी किसी का साउंड सुनने में हार्श होता है। तो प्लीजेंट और हार्श जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। अच्छा, आज क्या करने वाले हैं, आज हम रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे, रिफ्लेक्शन और साउंड वेव। अब जैसा रिफ्लेक्शन तुमने कभी लाइट वेव में पढ़ा होगा वैसा ही रिफ्लेक्शन अपने को क्या करना है, साउंड वेव में भी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, शेयर स्क्रीन, शेयर। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब बहुत ही बेसिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का मतलब क्या है। मान लो एक हमारे पास इस तरह से रिजिड सरफेस है, इस तरह से हमारे पास क्या है, एक रिजिड सरफेस है, और यहां पर क्या है, ये जो रिजिड सरफेस है उसमें एक साउंड का वेव भेजता है। ठीक है, साउंड के वेव को हमने क्या क्या ऐसे भेजा। अब ये वेव जो है वो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, वेव के जैसा दिखना चाहिए, इस तरह से साउंड वेव आ रहा है। अब साउंड वेव जो है ना वो रिजिड सरफेस है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर तुम बोलते हो तो दीवार को तोड़ना हुआ साउंड वेव कहीं और चला जाता है, ऐसा तो होता नहीं। तो साउंड वेव जो होगा, जैसे ही इसको रिजिड सपोर्ट मिलेगा, साउंड वेव की टेंडेंसी होगी रिफ्लेक्ट बैक करने की। अब रिफ्लेक्शन, जब भी आपको रिफ्लेक्शन का पैटर्न जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल जो है ये कोई रे नहीं, ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है। किसका परपेंडिकुलर, तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यही क्या है, नॉर्मल है। ये हमारे पास हो गया इंसिडेंट वेव, ये हमारे पास हो गया इंसिडेंट वेव।
इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब ये वेव यहां पर आके टकरा के वापस जाएगा, ऐसे आके हिट करके टकरा के वापस जाएगा, तो टकरा के वापस जाने वाले वेव को, टकरा के वापस जाने वाले वेव को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। फिर से वेव के जैसा दिखाना है इसको, तो इस तरह का चला जाएगा। तो ये इंसिडेंट वेव हो गया, और टकरा के वापस जाने वाले वेव को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड वेव या रिफ्लेक्टेड साउंड, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, यहां पे मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है स्मॉल आर। अब इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस था, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या है, इंसिडेंट वेव ये साउंड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव भी साउंड वेव है, नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये कोई वेव नहीं है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सरफेस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये कोई वेव नहीं है, ये बात अपने को समझना है। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये शायद आपने लाइट में भी पढ़ा होगा अगर लोअर सेक्शन में कभी पढ़ा है तो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ जो आपको याद रखना है, पहला लॉ याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ये पहला पॉइंट है जो आप क्या करने वाले हो, याद रखने वाले हो। इसका मतलब क्या है कि एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू हमेशा क्या रखने वाले हैं, सेम रखने वाले। ये पहला जो लॉ है इतना कोई मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान सा है। दूसरा जो लॉ है, दूसरा लॉ आप याद रख लेना, इंसिडेंट वेव कॉमा रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल at the point of incidence all lies in the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल कोई रे या वेव तो है नहीं, तो नॉर्मल लिखा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब है वो पॉइंट जहां पर ये तीनों मिलने वाले हैं। देखो, ये इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड वेव, तीनों इस पॉइंट पर मिलने वाले हैं, तो जिस पॉइंट पर ये लोग मिलने वाले थे वो हमेशा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव तीनों का प्लेन एक कॉमन प्लेन है। इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव तीनों का जो प्लेन है वो क्या है, कॉमन प्लेन। कॉमन इसका क्या मतलब हो गया कि आप इंसिडेंट वेव, नॉर्मल वेव और रिफ्लेक्टेड वेव को एक कॉपी के या एक बुक के पेज में बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक प्लेन में है, और सॉरी इंसिडेंट वेव और नॉर्मल एक प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड वेव जो वो प्लेन से बाहर आ रहा है। जैसे आपका जो कॉपी है, कॉपी वो एक प्लेनर डायग्राम है। अब उससे प्लेन से बाहर का मतलब हो गया आउटसाइड द प्लेन हो सकता है या इनसाइड द प्लेन हो सकता है, तो वो थ्री डायमेंशन में डायग्राम नहीं बनता, ये क्या बनता है, टू डायमेंशन में बनता है। टू डायमेंशन मतलब सब कुछ एक प्लेन में ही रहेगा, सब कुछ कॉपी के अंदर ही रहेगा, तो आप साफ साफ बना सकते हो। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों लॉज है, जैसा रिफ्लेक्शन का लॉज साउंड में है वैसा ही लाइट में भी होगा, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेम डायग्राम वायग्राम दिखता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन और साउंड है ना, इसका कुछ एप्लीकेशन अगर मैं बोलूं तो इसका जो एप्लीकेशन होगा वो स्टेथोस्कोप अगर आप जानते हो तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा वायर टाइप का होता है, वायर के एंड में एक डायफ्राम लगा होता है, ऐसे वायर के एंड में एक डायफ्राम ऐसा लगा होता है जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट के चेस्ट में ऐसे रखते हैं, और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम से क्या होते हैं, दो ईयर प्लग निकले होते हैं। ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम से दो, कभी बीमार पड़े होंगे, ठीक है, या कोरोना वोना किसी को हुआ होगा तो डॉक्टर के पास गया होगा। अब ये जो डायफ्राम है, ये क्या करता है ना, ये वाइब्रेट करता है, ये जो डायफ्राम है ये वाइब्रेट कर सकता है। अब इसको वाइब्रेशन कहां से मिलेगा, तो जैसे ही ह्यूमन चेस्ट के पास इसको रखा जाता है तो
तो ये चेस्ट के वाइब्रेशन को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। अब जो वाइब्रेशन इसने से कैप्चर किया, अब इसने जो भी वाइब्रेशन कैप्चर किया उसके कारण से क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। और ये जो साउंड वेव है वो यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ऐसे ट्रैवल करके ईयर्स तक पहुंचता है, तो जो डॉक्टर है उसको समझ में आता है। अब ये डॉक्टर क्या करता है, एक सेकेंड में या एक मिनट में जो हार्ट रेट है, नॉर्मल ह्यूमन का जो हार्ट रेट है वो 80 या कुछ हार्ट रेट का रेट था, मेरे को याद नहीं है। तो वो जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो डॉक्टर को ये समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ी। जैसे जब आप बुखार के बोल के जाओगे डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर आपका सबसे पहले हार्ट रेट चेक करता है, हार्ट रेट से उसको ये पता चल जाएगा। अब अगर नॉर्मल इंसान होता तो उसका हार्ट रेट सही होता है, अगर उसको कोई ना कोई बीमारी है तो हार्ट रेट में खराबी होती है, हार्ट रेट चेंज हो जाता है, जिसे डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ चलो बीमार तो है। अब अगर उसको ऊपर से ही समझ में आ जाएगा, देखिए अब बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं वो ऊपर से स्किन से पता चल जाता है। जैसे अगर किसी को क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस, अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया बोलते हैं हिंदी में, अगर वो हो गया तो स्किन का कलर पीला पीला दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे डॉक्टर देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो अंदर में है, बीमारी शरीर के अंदर है, उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करने के लिए फिर आपको वो सिटी स्कैन, अलग अलग डायग्नोसिस के जो तरीके होते हैं वो करने को बोलेंगे। तो इस तरह से होता है। अपन रिफ्लेक्शन और साउंड के बारे में बात करें तो ये रिफ्लेक्शन और साउंड पर ये डिवाइस जो होता है वो काम करता है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन और साउंड का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन फेनोमेना है जो हमारे काम का है वो है इको या इको, इको। ठीक है, अब इको क्या होता है, जब कभी भी आप पहाड़ों में गए होगे, ठीक है, सपोज कभी भी आप पहाड़ों के बीच गए होगे, तो पहाड़ों में जब खड़े होके, कूदना नहीं वहां से, ठीक है, पहाड़ों में जब खड़े होके चिल्लाते हैं हेलो, जब पहाड़ों में खड़े होके चिल्लाते हैं हेलो, तो कोई उधर से ही बोलता है हाँ ये लो, जब तुम यहाँ से बोलते हैं हेलो तुम बोलता है ये लो, ऐसा बोलता है क्या? या तुम तो अपना नाम बोलोगे, तुम जैसे ही अपना नाम बोलोगे तुम्हें तो कोई ना कोई वहां से भी होगा जो तुमको तुम्हारा नाम बोला, तो बहुत खुश कि कोई मेरा नाम बोल रहा है, ऐसे तो कोई मेरे को याद नहीं करता, कोई मेरा नाम बोल रहा है, तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, तो साउंड जो है ना, ये साउंड वेव गया और ये साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। तो एक्चुअल में ये जो इको है या एको जो है वो एक्चुअल में कुछ नया नहीं है, बस वो रिफ्लेक्शन और साउंड वेव है। अब बोलोगे सर यहाँ पर भी तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, अब साउंड अगर रिफ्लेक्ट कराना है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये पहाड़ है और यहाँ कहीं पे और भी, ऐसा तो नहीं कि तुम जहां पे गए सिर्फ एक ही पहाड़ होगा, बहुत सारे पहाड़ होंगे। अब बहुत सारे जब पहाड़ होंगे तो ये साउंड वेव गया 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 टकरा के, या ये जो माउंटेन था माउंटेन से टकरा के वापस आ गया, तो पहले तुमने जो बोला वो तुम्हें सुनाई दिया, और जब ये टकरा के वापस आया तब भी तुमको सुनाई दिया गया। अब ये जो टकरा के वापस आ रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, आपको दो बार सुनाई दे रहा है, एक बार तो जो आपने खुद से क्रिएट किया वो, जब टकरा के वापस आएगा वो भी। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसी को हम क्या बोलते हैं, एको। ठीक है, अब मन में डाउट होता है कि सर अगर ऐसी बात है, अगर साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है तब सुनाई दे रहा है, तो फिर घर के पास जब हम खड़े रहते हैं और तब हम चिल्लाते हैं तब मेरे को एको क्यों नहीं सुनाई देता, उसका रीजन है। क्या रीजन है वो देखो, हमारे पास क्या होता है ना, हमारा जो ईयर है उसका होता है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, और ये होता है 0.1 सेकेंड का होता है आई गेस, एक मिनट में वो चेक कर लो, 0.1 सेकेंड का होता है। हाँ, ये जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो जनरली क्या होता है ना, जब सपोज आपने कोई मान लो यहाँ पर आप हो और आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी नहीं किसी और की शादी कराते हैं, किसकी शादी कराते हैं, किसकी शादी हो रही है, मान लो सलमान खान की शादी हो रही है, सलमान खान, सलमान, सलमान खान की शादी हो रही है। अब बेचारी की शादी हो रही है तो खुश तो होगा, बेचारा डांस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर गाना बज रहा है, कौन सा गाना चल रहा है अभी, ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा है, ट्रेंडिंग सॉन्ग है हाँ, मैं इतनी सुंदर क्यों, क्या तो कुछ भी गाने बना रहे यार आजकल, मैं इतनी सुंदर क्यों, और लिटरली वो लड़की अगर सुंदर होती तो शायद हिट भी हो जाता गाना, मैं इतनी सुंदर क्यों, ये गाना है क्यों, कोई बताओ भाई वो सुंदर नहीं है, बदसूरत है,
क्वेश्चन ही गलत है उसका। अब शादी हो रही है सलमान खान की, सलमान खान डांस करने वाला है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही इसको सुनाई देगा मैं इतनी सुंदर क्यों, ठीक है, तो कोई भी वॉइस जो है ना वो ब्रेक, अब मैं अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो आपके पास जा रहा है, आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है। अब ब्रेन क्या करता है ना, ब्रेन उसको 0.1 सेकंड तक जिंदा रखता है। जैसे मान लो अगर हेलो बोला गया है तो उसका इंप्रेशन आपके ब्रेन में 0.1 सेकंड तक है। मान लो मैंने बोला हेलो, तो ऐसा नहीं कि मैंने हेलो बोल के खत्म किया और वो साउंड तुम्हारे दिमाग से खत्म हो गया। 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड बहुत छोटा टाइम है, 0.1 सेकंड तक वो तुम्हारे ब्रेन पर रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है नॉर्मली, अब जैसे ये गाना चल रहा था मैं इतनी सुंदर क्यों, सलमान भाई साहब को सुनाई दे रहा था मैं इतनी सुंदर क्यों, अब यहां पर क्या हुआ, ये जो साउंड आया अब ये अभी भी दिमाग में है, ये अभी भी दिमाग में है, और मान लो यहां पर एक बड़ा सा वॉल था। अब ये साउंड वेव यहां पे जाके टकरा के भी वापस आएगा, और अगर ये जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ये जो रिफ्लेक्ट होके साउंड वेव आ रहा है और ये जो डायरेक्टली साउंड वेव आ रहा था, इन दोनों के बीच में अगर 0.1 सेकंड से ज्यादा का गैप नहीं है, या इन दोनों के बीच में अगर 0.1 सेकंड से कम का गैप है ना, तो जो हमारा ब्रेन है ना वो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उसको लगता है कि एक ही साउंड तो है। तो हम क्या करते हैं, जब अपन नॉर्मल सिनेरियो में बात करेंगे, तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि बिल्डिंग के छत पे खड़े हो जाते हैं सर और चिल्लाते हैं हेलो, ठीक है, बिल्कुल चिल्ला लो हेलो, यहाँ पे एक वॉल है और आप बिल्डिंग के छत पे खड़े होके चिल्ला रहे हो हेलो। अब स्पीड ऑफ साउंड ना 344 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर में 344 मीटर पर सेकेंड के आसपास का होता है स्पीड ऑफ साउंड। अब जब तुम ये बोलोगे हेलो, साउंड वेव गया और ये साउंड वेव टकरा के वापस भी आ जाएगा, ऐसे गया और ये टकरा के वापस आ गया, और जो ओरिजिनल साउंड था और जो टकरा कर वापस आया, इसमें जो गैप होता है ना वो 0.1 सेकंड का कम का अगर गैप हुआ, तो आपको कभी आपका जो ब्रेन है वो कभी इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। एक्चुअल साउंड और रिफ्लेक्ट होके आने के बाद का जो साउंड है उसमें हमारा ब्रेन जो है वो दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। अब अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता तो हमें लगता है एक ही साउंड है, लेकिन माउंटेन्स वाले एरिया में क्या होता है, अच्छा, और आसपास के सराउंडिंग में ये जो इको है वो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं, जैसे क्लॉथ है, वुल है, एयर है, ये सब क्या होता है, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स है ये सब। तो जो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है ना, वो चांसेस होता है कि वो एब्जॉर्ब भी हो जाए। अच्छा भाई साहब, तो फिर हाई हिल्स में क्या होता है, जो हाई हिल्स वाला रीजन है यहाँ पर क्या हो गया, अब माउंटेन जो है तो माउंटेन तो दूर दूर भी हो सकते हैं, पास पास में भी माउंटेन होंगे, दूर दूर में भी होंगे। अब जब आप साउंड क्रिएट करते हो तो साउंड थ्री डायमेंशन में हर डायरेक्शन में फैलता है। मान लो ये साउंड वेव गया 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 और टकरा के वापस आ रहा है। अब यहां से जाने के बाद जब ये टकरा के वापस आएगा, अगर ये टाइम का वैल्यू 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा है, टाइम का वैल्यू अगर 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा है, तो आपको इको जो है वो पता चलेगा, और अगर 0.1 सेकेंड से कम है तो पहले वाले साउंड का इंप्रेशन दिमाग से गया ही नहीं था, तब तक वो सेकंड वाला साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, तो उस केस में कोई इको नहीं पता चलता। इको इज बेसिकली कुछ नया नहीं, इको क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर कंडीशन ऑफ इको फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इको, इक्वेशन भी पूछते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इको, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। हमने क्या बोला कि स्पीड ऑफ साउंड है 344 मीटर पर सेकेंड, ये कब है, जब टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मतलब रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड इतना है 344 मीटर पर सेकेंड का, बिल्कुल। अब ये देखो, ये जो साउंड वेव है वो क्या करेगा, यहां जाएगा, फिर टकरा के वापस भी आने वाला है क्या, तो साउंड वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जाने का एल डिस्टेंस और वापस आने का एल डिस्टेंस। तो साउंड वेव को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वो 2 टाइम्स ऑफ एल का है क्या। अच्छा,
अब अगर मेरे को इको चाहिए, अगर मेरे को इको चाहिए तो मिनिमम मिनिमम गैप बिटवीन एक्चुअल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, मिनिमम गैप बिटवीन एक्चुअल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड। मतलब 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम में कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए। अब मिनिमम जो टाइम था वो 0.1 सेकेंड है, डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है वो 12 का है, और कितने स्पीड से ट्रैवल करने वाले हैं, 344 मीटर पर सेकेंड से। अब हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, पढ़ा है स्पीड या जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम है, डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम है। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, साउंड वेव को डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2 टाइम्स ऑफ एल का, 2 टाइम्स ऑफ एल क्यों, क्योंकि जाने का एल और वापस आने का एल। स्पीड का वैल्यू कितना है, 344 इंटू मीटर पर सेकेंड है, टाइम का वैल्यू कितना है 0.1 सेकेंड का, तो 2 टाइम्स ऑफ एल जो है वो 34.4 मीटर्स का आ गया क्या, बिल्कुल सर जी। अब अगर आप यहां से एल का वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो यहां से आपको एल का वैल्यू मिल जाएगा 34.4 डिवाइडेड बाई 2, कैंसल आउट करने पर ये आ जाएगा 17.2 मीटर्स का। इसका मतलब मिनिमम सोर्स और जो सोर्स जो रिफ्लेक्शन है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब सोर्स और जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है उसका मिनिमम गैप 17.2 मीटर्स का होना चाहिए ना। अगर 17.2 मीटर्स का गैप होगा तो उस केस में क्या होगा, जो एक्चुअल साउंड का इंप्रेशन है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड का इंप्रेशन है वो अलग अलग टाइम पर रहेगा। अब जब ये अलग अलग टाइम पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है या जो भी हमारा ऑब्जर्वर है वो क्या कर सकता है, रिफ्लेक्टेड साउंड को आराम से इंटरप्रेट कर सकता है। तो कंडीशन फॉर एको, एको का कंडीशन क्या है कि दोनों रिफ्लेक्टेड साउंड और इंसिडेंट वेव के, एक्चुअल साउंड और रिफ्लेक्टेड होने के बाद का जो साउंड है उसमें 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, या 17.2 मीटर्स का सेपरेशन होना चाहिए सोर्स और जो रिफ्लेक्शन वाला ऑब्जेक्ट है उससे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब अपने घर के आसपास क्यों होता है, तो दो रीजन बताएंगे। एक तो बताएंगे कि जो रिफ्लेक्शन वाले जो सोर्सेज है वो बहुत पास में रखे हुए हैं, और दूसरा ये बताएंगे बहुत सारे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल प्रेजेंट है, तो साउंड अगर रिफ्लेक्ट होके वापस आता भी है तो पता नहीं चलता। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये कंडीशन फॉर इको है। अब एको, एको का जो कंडीशन, ये एको यूज कहाँ पर करते हैं, तो एको हम तो नहीं, सॉरी हम भी यूज करते हैं, लेकिन एको जो है वो कुछ एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं रात के विजिबिलिटी के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि वो जो बैट होते हैं चमगादड़, चाइना वायरस, कोरोना वायरस, उन्होंने खुद से बना के नाम लगा दिया बेचारे चमगादड़ों का। चमगादड़ इतनी गाली देता होगा ना चाइना वालों को, खाओ तुम मरे हम, और इल्जाम भी हम पे ही लगे। तो वो जो बैट होते हैं, अभी बैट क्रिकेट वाले बैट नहीं है, ये जो बैट होते हैं ना, बैट के पास क्या होता है, ट्रांसमिटर्स कुछ होते हैं, मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे वो क्या कर सकता है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स को या अल्ट्रा वायलेट साउंड्स को वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अल्ट्रा वायलेट मतलब 20,000 से ज्यादा, ऐसे साउंड्स जिनका फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो ये जो बैट होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है अल्ट्रा वायलेट साउंड जनरेट करने की। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट साउंड वेव्स होते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट साउंड वेव्स होते हैं, ये क्या होगा, जैसे ही किसी ऑब्स्टेकल को, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे ही किसी ऑब्स्टेकल को हिट करेंगे टकरा के वापस आएंगे। अब ये ना जो बैट होते हैं इनका खुद का कैलकुलेशन होता है, इनका खुद का कैलकुलेशन होता है, मतलब अगर ये जो साउंड वेव है वो जल्दी से ट्रैवल करके आ गया, मतलब इसको समझ में आ जाता है कि आगे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है, अगर ये दूर से देर से टकरा के वापस आता है तो ये समझ जाते हैं कि आगे का रास्ता क्लियर है, भाई रात में आराम से घूम सकते हैं। रात में इनको भी दिखता नहीं है, आंखें नहीं है इनकी जो रात को चमकती है, नहीं है भाई साहब, ये क्या करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट साउंड का हेल्प लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं अपने उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, ये कुछ मैकेनिज्म होता है उनके अंदर जिससे वो अल्ट्रा वायलेट वेव जनरेट कर सकते हैं। अब अगर ये अल्ट्रा वायलेट वेव जल्दी से रिटर्न होके आ गया, मतलब उनको समझ में आ जाता है कि आगे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है, और अगर टाइम से होके रिटर्न आ रहा है तो समझ जाते हैं कि आगे का जो रास्ता है वो खाली है, आराम से उड़ सकते हैं। तो इस तरह से उड़ते हैं, दिखता नहीं है, तो मिसकंसेप्शन नहीं रखेंगे कि दिखता है, और भी सोनार वोनार भी है, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वो
सबमरीन्स को डिटेक्ट करने में यूज होता है, सी बेड का डेप्थ में जानने में काम आएगा, वो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, आज इतना ही रह देते हैं।